नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ETUTOR यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो रहता है, पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है और कैसे करें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है और पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या फ्यूचर हो सकता है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज पॉलिटेक्निक और कैसे करें पॉलिटेक्निक कोर्स का यह डिप्लोमा। ठीक है दोस्तों, पॉलिटेक्निक के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे पॉली प्लस टेक्निक। पॉली का मतलब होता है बहु, विभिन्न, और टेक्निक का मतलब होता है कलाएं, ठीक है, तरीके। तो कहने का मतलब बहु कलाएं, बहु कलाओं का संस्थान है पॉलिटेक्निक, जिसमें बहु मतलब विभिन्न प्रकार की कलाएं आपको सिखाई जाती है, यानी कि टेक्निक आपको सिखाई जाती है, इस कारण इसको बोलते हैं पॉलिटेक्निक। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक नाम से क्लियर होता है कि आप विभिन्न प्रकार की आपको टेक्निक सिखाई जाएगी, यानी कि आपको विभिन्न ट्रेड्स में, विभिन्न ब्रांच में आपको डिप्लोमा दिया जाता है पॉलिटेक्निक कोर्स के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटेक्निक। दोस्तों पॉलिटेक्निक कोर्स जो रहता है वो टेक्निकल कोर्स है, इंजीनियरिंग कोर्स है। यह कोर्स जो है 3 इयर्स का होता है, इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स के अंदर, इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। ईच सेमेस्टर का एग्जाम एवरी 6 मंथ में होता है और 6 सेमेस्टर जैसे आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके लिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है तो आप एक प्रकार के जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लायक बन जाते हैं। इसके बाद आप प्राइवेट, गवर्नमेंट, जो भी जहाँ भी जॉब निकलती है, जेई की या डिप्लोमा होल्डर की या टेक्नीशियन की, जो भी आपके लेवल की जॉब निकले उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना अच्छा एक पॉलिटेक्निक कोर्स है। अब हम बात कर लेते हैं आपको कि जो पॉलिटेक्निक कोर्स में आपको एंट्री लेवल का जो एजुकेशन है वो क्या है। तो इसमें आप जो पॉलिटेक्निक में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो 10th क्लास या 12th क्लास के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। वैसे इसमें 10th क्लास के जो स्टूडेंट रहते हैं वह एंट्री कर सकते हैं, वह पॉलिटेक्निक एडमिशन में एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कोर्सेज में। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 12th के बाद ही एडमिशन लें तो अच्छा रहता है, वो भी 12th आप 11th 12th करें, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ 11th 12th कंप्लीट करें, इसके बाद आप पॉलिटेक्निक कोर्स करेंगे तो आपके लिए इसमें काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। बेनिफिट क्या रहते हैं कि आपका 11th 12th में इतना अच्छा बेस बन जाता है, पकड़ हो जाती है PCM पर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ऊपर, और वही कोर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे तो आपको समझ में आता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। और 10th वाले जो रहते हैं उनका थोड़ा लेवल कम रहता है, डायरेक्ट टॉप पॉलिटेक्निक करते हैं तो उनको थोड़ा टफ पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 12th वाले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, ऐसा कुछ नहीं, आप 10th से कर सकते हैं। क्या किसी जो अधिकतर कॉलेज है उसमें 12th के बाद आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है, कहीं कहीं मिल सकता है सेकंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है 12th वालों को, लेकिन आप 10th वालों को फर्स्ट ईयर मिलता है, लेकिन 12th के बाद ही फर्स्ट ईयर में मिलता है जनरली। तो ये आपका हो गया। अब एडमिशन लेने के लिए आपको इसमें एक इंटरेस्ट एग्जाम होता है एंट्री लेवल का, जिसको कहीं PPT बोला जाता है, कहीं पॉलिटेक्निक एंट्री टेस्ट बोला जाता है, इंटरेस्ट एग्जाम बोला जाता है। तो PPT यानी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, इस टेस्ट को आप देते हैं। यह टेस्ट होता है आपका 10th में आपने जो मार्क्स अचीव किए हैं, अच्छे मार्क्स आना चाहिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि आपका 10th में जो है साइंस, आपका मैथ और एक आपका जो रहता है विज्ञान, जो भी है 3 सब्जेक्ट्स में आपका अच्छे से मार्क्स हैं तो आप इसका PPT का एग्जाम देके उसमें आपका रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पॉलिटेक्निक की ब्रांच चुन सकते हैं, ट्रेड का सिलेक्शन कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आपको 6 सेमेस्टर का एग्जाम देना होता है हर 6 महीने में, 3 इयर्स के बाद आपको डिप्लोमा कोर्स मिल जाता है। तो इस तरीके से आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं, ये पॉलिटेक्निक कोर्स है। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक के अंदर ब्रांचेस कौन कौन सी रहती है। दोस्तों इसके अंदर ब्रांचेस की बात करें जिसमें के अंदर गिनती करना है उसके लिए आज के समय में इतनी सारी ब्रांचेस रन कर रही है, जिसमें से टॉप मोस्ट पे जो सिलेक्टेड ब्रांचेस रन कर रही है उसके बारे में हम आपको बता दें कुछ। जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद आपका आता है आर्किटेक्चर, इसके बाद आपकी और भी आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद भी आपकी सीमेंट है, केमिकल है, कई सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं वो पॉलिटेक्निक के अंदर चलती हैं। जो ब्रांचेस पॉलिटेक्निक के अंदर चलती है वही ब्रांच आपकी इंजीनियरिंग में भी चलती है, BBTech में भी चलती है। BBTech 4 ईयर का होता है, डिप्लोमा 3 ईयर का होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई आपकी ब्रांचेस की, एंट्री की, पॉलिटेक्निक कोर्स की। अब बात करते हैं यदि आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करें। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं बी या BTech में। सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको यदि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, आपने पॉलिटेक्निक कोर्स कर रखा है तो आपकी ब्रांच जो है उसी ब्रांच में ही आपको BTech में एडमिशन मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट आपको पॉलिटेक्निक कोर्स जो करते हैं या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं उनके लिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर
इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिलता है तो एक साल आपको वहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाता है डिप्लोमा वालों को, ठीक है। सेकंड ईयर बाद आपको वहाँ भी वो तीन साल की इंजीनियरिंग बनती है, डिग्री बचती है, तीन साल बाद आप डायरेक्ट इंजीनियर बन जाते हैं। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई सारी जॉब निकलती है, डिप्लोमा रेलवे वगैरह आपका BSNL सब में गवर्नमेंट सेक्टर में भी डिप्लोमा से जॉब निकलती रहती है। एक प्राइवेट में आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं आपको इनिशियली 10 से 15 हज़ार की जॉब सैलरी मिल जाती है डिप्लोमा वाले से। हालांकि इसमें ग्रोथ धीरे धीरे होती है, लेकिन आप यदि अपना जो हुनर दिखाते हैं वहाँ पे अच्छा सा आपका जो शो करते हैं आपकी क्वालिटीज, तो आपका प्रमोशन जल्दी होता है। प्रमोशन के डायरेक्ट आप जंप करते हैं और अच्छी आपकी सैलरी पैकेज मिल जाता है। डायरेक्ट आप स्विच करते हैं तो कंपनी में अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, डिप्लोमा के बाद भी फॉरेन भी जा सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप जॉब भी कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ आप प्राइवेट बीटेक कर सकते हैं, AMI कर सकते हैं, तो इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये कई सारी क्वालिटीज डिप्लोमा होल्डर के अंदर जो आपको मिल जाती है। और यदि आप डिप्लोमा के बाद बी करते हैं तो बीटेक एमटेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको यदि आप 10th से डिप्लोमा करते हैं तो आपको फिर 12th का जरूरत नहीं है। और जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए 12th करना होता है, 12th के बाद आपको जो JEE आपको JEE मेन एग्जाम एडवांस एग्जाम देना पड़ता है, तब इंजीनियरिंग एडमिशन मिलता है। लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए कोई एग्जाम देना जरूरत नहीं। 10th से आपने डिप्लोमा किया 3 ईयर का प्लस सेकंड ईयर आपको बीटेक में एडमिशन मिल जाता है आपकी ब्रांच में बिना किसी इंटरेस्ट एग्जाम के। तो इस तरीके से आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग चाहे आप जॉब करें या डिप्लोमा करें तो इंजीनियरिंग करें दोनों कर सकते हैं। यदि आपने पॉलीटेक्निक किया है, बहु कलाओं का यह कोर्स किया है, तो ये एक बेसिक समरी थी पॉलीटेक्निक की। पॉलीटेक्निक क्या है मैंने बताया आपको, पॉलीटेक्निक बहु कलाओं का यह कोर्स है, बहुत सारी टेक्निक्स की इसमें ट्रेड्स हैं वो आपको सिखाया जाता है, इसको पॉलीटेक्निक बोलते हैं। कैसे इसमें एंट्री करें, तो इसके लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है 10th लेवल पे। दूसरी बात, इसकी योग्यता 10वीं या 12वीं आप कर सकते हैं। ब्रांचेस कौन सी रहती है मैं आपको बता चुका हूँ, कितने समय का रहता है 3 साल का रहता है, 6 सेमेस्टर रहते हैं। इसके बाद आपको करने के बाद क्या करें, तो आपके साथ 2 ऑप्शंस बनते हैं यहाँ पे। आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं बीटेक, या आप जॉब कर सकते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर जो भी है, ये पॉलिटेक्निक रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एक ओवरव्यू आपको मिला होगा कि पॉलिटेक्निक क्या होती है, इसमें आपका एंट्री या एडमिशन किस तरीके से होता है, कहाँ से होता है, ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर जाएं, और साथ में हमारी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जो पब्लिश करें उसकी अपकमिंग जानकारी लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।